सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 31 अगस्त 2020, कक्षा 9वीं, विषय संस्कृतम। अध्ययन बिंदु है अपना, तृतीय पाठ है गो दोहनम। इससे पहले अपन ने दूसरा पाठ स्वर्ण काक है, उसका हिंदी अनुवाद और उसके अभ्यास प्रश्न जो है अपन ने कर लिए थे। आज अपन तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है गो दोहनम। गो दोहनम का अर्थ है गाय का दूध दुहना। गो दोहनम, गाय का दूध दुहना। इसका पाठ परिचय यह है, देखो इसमें किसके बारे में बताया है, क्या है, तो पाठ परिचय देख लेते हैं। यह नाटक है गो दोहनम। ये जो तीसरा पाठ है वो कौन सा है, नाटक है। नाटक में पात्र होते हैं, पात्रों के माध्यम से जिसका वर्णन होता है वो नाटक होता है। एक होता है पद्य, पद्य में आते हैं श्लोक, गद्य आता है, गद्य में गद्यांश आते हैं, और नाट्यांश में, नाटक में अंश होते हैं, कुछ पात्र होते हैं, पात्रों के माध्यम से इसका वर्णन होता है, और किसी किसी के ऊपर यह जो है कल्पित होता है, किसी के ऊपर दर्शाया जाता है। तो पाठ परिचय देखते हैं। तो यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम पुस्तक से संक्षिप्त एवं संपादित कर उद्धृत किया गया है। मतलब इस पाठ के लेखक जो हैं वो कृष्णचंद्र त्रिपाठी हैं, और ये चक्रव्यूहम पुस्तक से लिया गया है। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी होने का इच्छुक है। इसमें, इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है, बताया गया है, जो धनवान और सुखी होना चाहता है। वह महीने भर तक गाय का दूध दोहना छोड़ देता है, ताकि महीने के अंत में गाय के शरीर में सिंचित पर्याप्त दूध एक बार में ही निकाल लिया जाए और उसे बेचकर पर्याप्त संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सके। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने लगा तो उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिली। दूध के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से लहू लुहान हो गया तथा समझ गया कि दैनिक कार्य यदि महीने भर तक इकट्ठा करके किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि होती है। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि यथासमय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। मतलब उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि मैं रोज़ रोज़ दूध नहीं निकाल के महीने भर का एक साथ ही दूध निकालूंगा, जिससे मुझे दूध अधिक दूध प्राप्त होगा, और अधिक दूध प्राप्त होगा तो उससे पैसे भी बहुत आएंगे, इस प्रकार जो है मैं धनवान हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसने ऐसा सोचा था, जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, और महीने के अंत में जो है वो दूध निकालने लगा तो गाय की प्रहारों से जो है वो उसकी जगह जगह लगी और खून आ गई। तो इससे उसको एक बात समझ में आई कि कोई भी कार्य जो है इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत जो है उसको कार्य को पूरा करना चाहिए। अब देखो ये नाटक है, इस नाटक में प्रथम दृश्यम पहला दृश्य क्या है, देखो पहला दृश्य इस पढ़ने से पहले इसका प्रसंग जो है वो प्रसंग क्या रहेगा, प्रसंग रहेगा प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुशी के गोदोहनम नामक पाठ से, शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय हैं। यह पाठ चतुर्व्यूहम पुस्तक से लिया गया है। इस नाट्यांश में नायिका मल्लिका को लड्डू बनाते हुए दिखाया गया है। जो नायिका है मल्लिका, उसको लड्डू बनाते हुए दिखाया गया है, जिन्हें चंदन जो है उसका जो पति है चंदन है वो उसे चखना चाहता है, तथा मल्लिका कहती है कि ये भगवान की पूजा के लिए हैं, ऐसा कहकर उसको चंदन को खाने से रोक देती है, चखने से रोक देती है। तो प्रथम दृश्य, पहला दृश्य देखो,
मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंत्रसुरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, लड्डू बनाती हुई मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर में धीरे आवाज में शिवजी की स्तुति शिवजी की पूजा करती है। ठीक है, मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे आवाज में शिवजी की स्तुति करती है, शिवजी की पूजा करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। ततः का अर्थ हुआ तब मोदक गंधम लड्डू की सुगंध, तब लड्डू की सुगंध का अनुभव अनुभवन का अनुभव करता हुआ तब लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त मन से चंदन प्रवेश करता है। उसको लड्डू की सुगंध आती है और वह जो है लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न चित्त मन से चंदन जो है वो प्रवेश करता है। चंदन क्या कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न उत्वा आस्वादयामी तावत मोदकम ग्रहितुम इच्छति। तो चंदन क्या कहता है, आह सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंध तो मनमोहक है, सुगंध तो मनमोहक है, विलोक्य देखकर कहता है अरे मोदकानि रचन्ते, क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं, अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न है भूत्वा प्रसन्न होकर आस्वादयामी तो चखता हूँ, आस्वादयामी तावत तो चखता हूँ, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति लड्डू लेना चाहता है, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम क्रोधपूर्वक क्रोध सहित क्या कहती है, विरम मास्पर्श एतानि मोदकानि, विरम रुको मा स्पर्श मत छू, रुको मत छू इन लड्डुओं को, या रुको इन लड्डुओं को मत छू। ठीक है, चंदन किमर्थम कुर्द्यसी, नाराज क्यों होती हो या नाराज क्यों हो रही हो, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवालोलुपतां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदं। तो किमर्थ चंदन कहता है किमर्थम क्रुद्यसी, नाराज क्यों हो रही हो, तुम्हारे हाथों से बने हुए तव हस्त निर्मितानि तुम्हारे हाथों से बने हुए मोदकानि लड्डुओं को, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देख कर मेरी जीभ तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देख कर मेरी जीभ के लोलुपता मतलब लालच को काबू में करने में मेरी जीभ के लालच को काबू में करने में असमर्थ है हूँ, मतलब मैं मेरी जीभ को जो है काबू में नहीं रख पा रहा हूँ, मेरी जीभ को काबू करने में असमर्थ हूँ मैं, किम न जाना सी तुम एकदम, क्या तुम इसे जानती हो। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी सम्यक जानामि, नाथ है, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा के प्रयोजन से बनाए हैं, या लेकिन ये लड्डू जो हैं वो पूजा करने के लिए बनाए गए हैं, तो ये लड्डू जो है अपन पूजा करने के बाद में ही खा सकते हैं, चख सकते हैं,
ऐसा उसका मल्लिका का तात्पर्य है। ठीक है, आज अपन यहीं तक ही पढ़ेंगे। तो आपको ये पाठ परिचय करना है और इसका ये हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, धन्यवाद।